हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपके साथ मखाने की बहुत ही हेल्दी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बच्चों को स्नैक्स के साथ भी आप दे सकते हैं, और जिनके हाथ पैर में दर्द, घुटनों में नी पेन वगैरह होता है, वो भी 8 से 10 डेली ये मखाने लेंगे तो बहुत ही राहत मिलेगी। तो आइए देखते हैं इसमें क्या लगेंगे। तो यहाँ एक गर्म पैन में 1 चम्मच घी डाल लीजिए। घी मेल्ट होते ही हमें यहाँ पे मखाने डालने हैं। तो मैंने यहाँ पे 100 ग्राम मखाने लिया है। तो 100 ग्राम मखाने को आप अच्छे से रोस्ट कर लीजिए मीडियम फ्लेम में। तो यहाँ पर एक मखाने को तोड़ के देखिए, ये अच्छे से क्रंची हो गया है। तो बस इसे अलग निकाल के सेम पैन में हम 1.5 चम्मच घी और डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कप पिसा हुआ गुड़ लिया है। इसे हमें अच्छे से मेल्ट पका लेना है। हल्का सा झाग आएगा, इसका मतलब पक गया। यहाँ मैंने 1.5 चम्मच सफ़ेद तिल लिया है। 1/2 चम्मच से भी थोड़ा कम हम सौंफ डाल देंगे। फिर रोस्टेड मखाने को भी हम इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें मीडियम फ्लेम में पकाते रहना है। तो हमें तब तक पकाना है जब तक सारे सिरप मखाने में अच्छे से चिपक ना जाए, कोटिंग ना आ जाए। देखिए अभी भी थोड़ा सिरप नीचे में है, इसका मतलब और हमें इसे 1 मिनट पकाना है। तो 1 मिनट बाद देखिए सारा पैन एकदम क्लियर है, इसका मतलब एकदम परफेक्ट से रेडी। अब इसे हम ठंडा होने रख देंगे। तो इसे एक एयर टाइट कंटेनर में आप डाल के यूज़ कर सकते हैं 1 हफ्ते के लिए। बढ़िया टेस्टी बच्चों का स्नैक्स है। तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद किटी।